सेठ का प्रायश्चित। रानीगंज नाम के गांव में बंसीलाल नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी बेहद सुंदर थी। बंसीलाल उसे बहुत प्रेम करता था, परंतु उसे हमेशा यही डर सताता रहता था कि उसकी अनुपस्थिति में वो कैसे समय बिताती होगी। कभी एक पल के लिए भी यदि वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती थी तो वो बेचैन हो जाता था। एक बार बंसीलाल किसी आवश्यक कार्य से परदेश चला गया। वहां किसी काम से बाजार गया तो उसने देखा कि बाजार में तरह तरह के अनोखे पक्षी बिक रहे थे। भाई, इतने पंछी बेच रहे हो, इनमें कोई खास गुण वाले पंछी भी हैं क्या कि ऐसे ही सब साधारण पंछी हैं? जी हुजूर, इन सब में एक बोलने वाला तोता भी है। जो बात भी उससे पूछी जाती है उसका उत्तर वो बिल्कुल मनुष्य की भांति देता है। घर की पहरेदारी भी करता है। पहरेदारी से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब कि किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके घर पर जो जो घटनाएं होती हैं, उन्हें भी वो उस व्यक्ति के पूछने पर बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया गुण है। मुझे तो यही चाहिए। ऐसे ही तोते की खोज मैं बहुत दिनों से कर रहा था। बंसीलाल उस तोते को खरीदकर घर ले आया, मगर उसने अपनी पत्नी को तोते की ये सारी विशेषताएं नहीं बताई। कुछ दिन बाद बंसीलाल के व्यापार के सिलसिले में फिर परदेश जाना पड़ा। जाते समय, तोते की अच्छी तरह देखभाल करना, इसको मेरी अनुपस्थिति में खाने पीने की कमी ना रहे। इसी प्रकार की कुछ दूसरी और हिदायतें देकर वो परदेश रवाना हो गया और काफी समय बाद लौटा। लौटने पर उसने अकेले में तोते से पूछा, मेरे प्यारे मित्र तोते, यहाँ मेरी गैर हाजिरी में क्या क्या हुआ? तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी पत्नी ने खूब मनमानी की। शर्मो हया के सारे बंधन तोड़ दिए उसने। तुम्हारे जाने के बाद रोज कोई ना कोई आता रहता था। महफिल सजी रहती थी। तुम उसे जितना साध्वी समझते हो उतनी वो है नहीं। तोते ने अपने स्वामी से सारा हाल कह सुनाया। उसके स्वामी ने अपनी पत्नी को खूब डांटा फटकारा। तुम मेरे पीछे क्या क्या हरकतें करती हो और कैसे कैसे गुल खिलाती हो, ये सब मुझे पता चल गया है। पत्नी पति से तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि बातें सच्ची थी। ये बातें उसके पति को किसने बताई? शायद किसी सेविका ने ये काम किया होगा। उसने एक सेविका को बुलाया और डांट फटकार कर पूछा, किंतु हमने आपके पति से कुछ नहीं कहा है, हम आपकी ही सेविका है, उनकी नहीं। स्त्री को उनकी बातों पर विश्वास हो गया। ये सारी करतूत इस घर में आए नए तोते की ही हो सकती है। उसने तोते से कुछ नहीं कहा, क्योंकि तोता इस बात को भी अपने स्वामी को बता देता, किंतु वो इस फिक्र में रहने लगी कि किस प्रकार तोते को अपने स्वामी के सम्मुख झूठ साबित करके अपने प्रति उसका विश्वास और संदेह को दूर कर दे। कुछ दिन बाद उसका पति एक दिन के लिए नगर से बाहर गया। स्त्री ने अपनी सेविकाओं को आज्ञा दी। रात में एक सेविका सारी रात तोते के पिंजरे के नीचे चक्की पिसे, दूसरी ऊपर से उस पर इस तरह पानी डालती रहे जैसे कि बरसात हो रही हो, और तीसरी सेविका पिंजरे के पीछे की ओर दिया जलाकर स्वयं दर्पण लेकर तोते के सामने खड़ी हो जाए। दिए की रोशनी का प्रकाश जब दर्पण पर पड़े तो तोते की आंखों के सामने रह रहकर डालती रहे। सेविकाएं रात भर ऐसे ही करती रही और भोर होने से पहले उन्होंने पिंजरा ढक दिया। दूसरे दिन वो बंसीलाल जब परदेश से लौटा तो उसने एकांत में तोते से पूछा, कल रात को क्या क्या हुआ था? स्वामी, रात को मुझे बड़ा कष्ट रहा। रात भर बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही और वर्षा होती रही। पिछली रात को बादल और वर्षा का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। तोता बगैर सिर पैर की बातें कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरी पत्नी के बारे में भी इसने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल बकवास था। यही सोचकर उसे तोते पर बेहद क्रोध आया। ऐसे तोते का मर जाना ही अच्छा है, जिसने हमारे हंसते मुस्कुराते जीवन में आग लगा दी अपनी बकवास सुनाकर। उसने तोते को पिंजरे से निकाला और धरती पर पटक पटक कर मार डाला। वो अपनी पत्नी पर विश्वास करने लगा। उसकी पत्नी की चाल कामयाब हो गई थी,
लेकिन ये विश्वास बहुत अधिक दिनों तक नहीं रहा। कुछ महीने के अंदर ही उसके पड़ोसियों ने उसकी पत्नी के दुष्कृतियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जो उसे तोते की बातों जैसी थी। ये जानकर बंसीलाल को गहरा सदमा पहुंचा और निर्दोष तोते को मारने अपराध बोध के कारण वो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब वो सिर्फ प्रायश्चित ही कर सकता था क्योंकि उसने बिन सोचे समझे तोते को मार दिया था।